ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। देखिए अनफॉर्चुनेट है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है, हमारे गठबंधन के लिए अच्छी बात नहीं है। वो एक मजबूत साथी है और तीन तीन बार पूर्णिया से इंडिपेंडेंट जीत चुके हैं। वो पूर्णिया से मजबूती से तीन तीन बार इंडिपेंडेंट जीतते रहे हैं और मुझे लगता है कि वो हमारी गठबंधन को ही मजबूत करने का काम करें। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय क्या किया। पप्पू यादव के साथ बिहार की सियासत में बड़ा खेल हो गया। पप्पू के साथ कुछ ऐसा हुआ कि पप्पू न घर के रहे न घाट के। स्थिति ये बनी कि पप्पू यादव पूर्णिया से निर्दलीय चुनावी मैदान में उतर गए। अब इस पूरे मामले पर पप्पू यादव की पत्नी और कांग्रेस से राज्यसभा सांसद रंजीत रंजन का बड़ा बयान सामने आया है। रंजीत रंजन ने साफ बता दिया कि आखिर किसके इशारों पर पप्पू यादव के साथ खेला हुआ। जरा बयान सुनिए। देखिए अनफॉर्चुनेट है कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है और ये हमारे गठबंधन के लिए अच्छी बात नहीं है। वो एक मजबूत साथी है और तीन तीन बार पूर्णिया से इंडिपेंडेंट जीत चुके हैं, तो मुझे बस लगता है कि मैं अपने पार्टी धर्म से जुड़ी हूँ, लेकिन अगर वो भी हम लोगों के साथ होते तो बहुत बेहतर था। लेकिन अभी भी वो इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं और मजबूती से लड़ रहे हैं। पप्पू यादव जी का बिहार में ओवरऑल एक प्रभाव है, खासकर सीमांचल में। अगर सीमांचल में उनको टिकट इंडिया एलायंस से नहीं मिला, पूर्णिया से वो लड़ रहे हैं, बाकी सीटों पर भी इंडिया एलायंस को जनता के नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है अगर पप्पू यादव जी अपने साथ हुए विश्वासघात पर बोलना शुरू किए। देखिए अभी तक उनकी कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं आई है और वो महागठबंधन के साथ खड़े हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आंतरिक स्टेट से जुड़ी हुई हैं, इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। बस मैं ये कहूँगी कि अनफॉर्चुनेट है। अब ये तो चाहेंगे कि वो चुनाव जीते। वो पूर्णिया से मजबूती से तीन तीन बार इंडिपेंडेंट जीतते रहे हैं और मुझे लगता है कि वो हमारी गठबंधन को ही मजबूत करने का काम करेंगे। देखा आपने किस तरीके से रंजीत रंजन ने साफ कर दिया है कि प्रदेश की सियासत की वजह से पप्पू यादव के साथ कांग्रेस में खेल हुआ है। बता दें कि पप्पू यादव ने तो हाल फिलहाल में कांग्रेस ज्वाइन किया, लेकिन उनकी पत्नी रंजीत रंजन लंबे समय से कांग्रेस के साथ बनी हुई हैं। पप्पू यादव और रंजीत रंजन की लव मैरिज हुई है और दोनों का आपसी प्यार कई मौकों पर दिखा है। इससे पहले कोरोना काल में जनता की सेवा कर रहे पप्पू यादव को जब जेल ले जाया गया तब भी रंजीत रंजन का दुख छलका था। एक बार फिर से पप्पू यादव की हालत पर बड़ा बयान रंजीत रंजन ने दिया है और पूरे मामले में प्रदेश की सियासत पर दोष मढ़ा है। देखना होगा पूरे मामले पर अब अगला रिएक्शन क्या कुछ आता है। माना यह जा रहा है कि ये बयान देकर रंजीत रंजन ने पूरे मामले में इशारों में आरजेडी और लालू परिवार के साथ साथ तेजस्वी को कटघरे में खड़ा किया है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।